यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन है और ये पेपर नंबर फर्स्ट का है। पहला क्वेश्चन है थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज बताइए। तो थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज की बात करें तो ग्रीक और रोमन क्रिटिक्स जो हैं ये थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज को रिकमेंड किए हैं और इनके अनुसार ये है कि एक अच्छे ड्रामेटिस्ट को जो है थ्री ड्रामेटीज पर फॉलो करना चाहिए। और ये तीनों ड्रामेटीज कौन सी हैं? यूनिटी ऑफ टाइम है, यूनिटी ऑफ प्लेस है और यूनिटी ऑफ एक्शन है। इसमें से बात करें यूनिटी ऑफ टाइम की, तो यूनिटी ऑफ टाइम ये जो है एक मतलब ये बताती हैं कि जो प्ले होता है ना, उस वो प्ले या कोई वर्क उसको 24 आवर में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस की बात करें तो यूनिटी ऑफ प्लेस के अनुसार ये होता है कि कोई भी प्ले या कोई भी वर्क एक ही जगह पर मतलब होना चाहिए, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स नहीं करना चाहिए, जैसे शेक्सपियर ने मिक्स कर दिया था तो इंटरमिक्स नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन है ड्रामा क्या है, तो ड्रामा एक लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन होता है जिसको प्रोज या तो वर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ड्रामा को डायलॉग्स के थ्रू डेवलप किया जाता है और ड्रामा में जो एक्शन होते हैं इसको स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता है, स्टेज के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है। और बाकी सारे वर्क की बात करें, बाकी सारे लिटरेचर के फॉर्म्स की बात करें तो अपने आप में वो कंप्लीट होता है, लेकिन ड्रामा जो है विदाउट स्टेज परफॉर्मेंस, बिना स्टेज की अपने आप में इनकम्प्लीट रहता है, अपने आप में ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। दो क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन किस तरह से, हाउ डज एस्ट्रोजन कंपेयर हिमसेल्फ विद क्राइस्ट। एस्ट्रोजन जो है किस तरह से क्राइस्ट के साथ अपने आप को कंपेयर करता है, तो एस्ट्रोजन कहता है कि अगर मैं जूते को निकाल भी देता हूँ जो कि मेरे पैर में फिट नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट थे वो भी तो नंगे पांव चलते थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो कहता है कि वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ में अपने आप की कंपेयर हमेशा जीसस क्राइस्ट से करता चला आया है। अगला क्वेश्चन है राइट अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन द टाइप्स ऑफ सिंबल्स। ये करें टाइप्स ऑफ सिंबल्स पर वेरी शॉर्ट नोट लिखो। तो देखिए सिंबल्स जो है दो प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल सिंबल और पर्सनल सिंबल, है ना। अब ट्रेडिशनल सिंबल में आता है वाटर, रोज, लैडर, क्रॉस, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल सिंबल में आती हैं। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द यूज ऑफ इमेजरी इन टीएस एलियट्स पोएम। टीएस एलियट ने अपने पोएम में कौन सी इमेजरी का यूज किया, इस पर शॉर्ट नोट। तो कौन सी इमेजरी का यूज किया, फ्री एंड फ्रीक्वेंट इमेजरी का इन्होंने अपने पोएम में यूज किया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बाइजेंटियम, आप बाइजेंटियम के बारे में समझते क्या हैं, क्या समझते हैं। तो देखिए ये जो पोएम, पहला नंबर बाइजेंटियम एक पोएम है, इसको इटली में 1930 ईस्वी में कंपोज किया गया था, लेकिन पब्लिश हुआ था 1933 में, नहीं कहीं ये 1932 में पब्लिश हुआ था। यीट्स की पोएम द बिंडिंग स्टार एंड द अदर पोएम्स में 1932 में पब्लिश हुआ था, यहाँ थोड़ा सा ये रॉन्ग है, 1932 ही रहेगा, क्लियर है। इसके पहले सेलिंग टू बाइजेंटियम 1926 में लिखा और बाइजेंटियम को 1930 में लिखा, लेकिन ये 1932 में पब्लिश हुआ था। कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुआ था, द बिंडिंग स्टार एंड अदर पोएम्स में। ये पोएम एक मिस्टिकल टाइप की पोएम है बाइजेंटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट विलियम बटलर ईट्स, डब्ल्यू वी ईट्स पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो विलियम बटलर ईट्स इनको जो है लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था, 1923 ईस्वी में मिला था और ये एक वर्सेटाइल जीनियस टाइप के पोएट हैं। इन्होंने डिफरेंट काइंड के पोएम लिखा, पोएटिक प्लेज लिखा, है ना, और इनको जो है 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में रिगार्ड किया जाता है। और ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स अमंग द मॉडर्निस्ट, और इनको मॉडर्निस्ट पोएट्स में से भी ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है। डब्ल्यू बी ईट्स एक मिस्टिक पोएट हैं, एक रियल मिस्टिक पोएट हैं। ये क्यों है, मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए डब्ल्यू बी ईट्स इज अ रियल मिस्टिक पोएट लाइक अदर मॉडर्निस्ट पोएट्स। बाकी दूसरे मॉडर्निस्ट पोएट के साथ में ये भी एक रियल मिस्टिक पोएट हैं, यानी कहीं ना कहीं रियलिटी पर ही फोकस करते हैं। ईट्स जो है रिलीजन के बहुत ज़्यादा लवर थे, यानी कि डिस्कस ईट्स लव फॉर रिलीजन। तो डब्ल्यू बी ईट्स एक
रिलीजियस पोएट हैं क्योंकि एक ट्रू क्रिश्चियन है, ट्रू क्रिश्चियन थे और ये क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव भी ये करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइजेंटियम पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है। तो बाइजेंटियम पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो ए ए बी बी सी डी डी सी है ना। जैसे देखो बाइजेंटियम में 40 लाइन है और 40 लाइन है, 5 स्टेंजा है, एक स्टेंजा में जो है 8 लाइन है। तो ये हर स्टेंजा का राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी डी डी सी। और एक इस पोएम में यानी कि बाइजेंटियम पोएम में एक्सटर्नल मीनिंग भी मिलता है और इंटरनल मीनिंग भी है, दोनों है। पोएट्री को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। जो पोएट्री होती है वो पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी के को देखते हुए एक जो है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होती है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स टेकिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोएट्री जो होता है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है जहाँ पर पावरफुल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, और ये जो भी चीज़ें इनकी एक तरह से ओरिजिन की बात करें तो कहीं ना कहीं इमोशंस ही होती हैं, इमोशंस के थ्रू जो भी आता है उन सबको पोएट्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेटिक नोट इन ईड्स पोएम, ईड्स की पोएम का प्रोफेटिक नोट्स लिखिए। तो डब्ल्यू बी ईड्स इज अ प्रोफेटिक नोट इन हिज पोएम्स लुकिंग टू द ब्रिटिश कस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड द लॉस ऑफ ह्यूमन वर्च्यूज फ्रॉम प्रेजेंट सिविलाइजेशन द पोएट एंटिसिपेट्स द बर्थ ऑफ न्यू जनरेशन। अब जैसे क्या होता है डब्ल्यू बी ईड्स जो है एक प्रोफेटिक अपने पोएम्स में एक प्रोफेटिक नोट रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं ये इन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया कि प्रेजेंट सिविलाइजेशन से किस तरह से ह्यूमन वर्च्यूज का लॉस हो रहा है ना, किस तरह से न्यू जनरेशन मतलब एक तरह से बेकार जा रही है। अच्छा इसके पहले क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायलॉग इन द प्लेज ऑफ हैरोल्ड पिंटर। अब देखिए हैरोल्ड पिंटर ने किस तरह के प्लेज में किस तरह के डायलॉग हैं इस पर नोट लिखना है, तो सीधा यहाँ पर एक तरह से हैरोल्ड पिंटर ने होम कमिंग वाला लिखा था, हैरोल्ड पिंटर ने द होम कमिंग प्ले लिखा था, उस होम कमिंग का एक तरह से थीम आपको लिख देना है। आगे देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टायरसियास एज सिंबल। देखिए ये कह रहे हैं टायरसियास जो हैं एक सिंबल के रूप में इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो टायरसियास इज अ सिंबल ऑफ नोबल गॉड लविंग ह्यूमन सोल। टायरसियास जो होता है एक नोबल गॉड लविंग और ह्यूमन सोल का सिंबल होता है। उपनिषद के अनुसार अगर बात करें तो जो सोल होता है वो सेक्सलेस होता है, मतलब सोल का कोई सेक्स नहीं होता है, ना तो मेल होता है ना ही फीमेल होता है सोल में। और इसके साथ में जो एलियट के अनुसार बात करें तो टायरसियास एक ब्लाइंड है और एक जो है प्रोफेटिक होता है ना, जिनमें दोनों सेक्स होते हैं, मतलब वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, एक तरह से वही बात कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि सेक्सलेस ही होता है। अब यहाँ पर मॉडर्न पोएट्री की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो क्वालिटीज होनी चाहिए कल्ट ऑफ मिथ मेकिंग होना चाहिए, आर्ट ऑफ सिम्बोलिज्म का आर्ट यूज किया जाना चाहिए, रिलीजियन के प्रति प्रेम होना चाहिए मिस्टिसिज्म फॉर्म में होना चाहिए और इसोटेरिसिज्म फॉर्म में, और जो है मेटाफिजिकल कंसीट्स और इमेजरी के लिए एक प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति लगाव होना चाहिए, लगाव रहेगा तभी तो पोएट्री में यूज किया जा सकता है, और कंट्रास्ट लफ और कंट्रास्ट होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट इलियट्स एम्बिवेलेंट सिंबल्स। इलियट का एम्बिवेलेंट सिलेट्स, इलियट के एम्बिवेलेंट सिंबल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बात करें इसकी बात करें, देखिए इलियट मेक्स यूज ऑफ एम्बिवेलेंट सिलेयर सिंबल्स इन हिज पोएम। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इलियट ने अपने पोएम में किस तरह के सिंबल्स का यूज किया, तो एम्बिवेलेंट सिंबल्स का यूज किया है। ये जो सिंबल्स होता है एक को एग्जिस्टेंस ऑफ इमोशनल एलिमेंट ऑफ लव एंड हेट होता है, लाइक और डिसलाइक्स होता है, जैसे यहाँ पर वाटर जो है लाइफ का सिंबल होता है, वाटर रीजनरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करता है, और फायर जो है डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करता है। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, तो प्रॉब्लम प्ले एक न्यूली डेवलप्ड ड्रामेटिक जेनर होता है। प्रॉब्लम प्ले में जो भी प्रेजेंट किया जाता है एक तरह से ड्रामेटिकली प्रेजेंट किया जाता है,
एब्सर्ड ड्रामा सेड बाय सैमुअल बेकेट। अब ये एब्सर्ड ड्रामा क्या है? तो एब्सर्ड ड्रामा जो होता है ये एक रेगुलर ड्रामेटिक मूवमेंट जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट या जो है सररियलिस्टिक्स और ग्रोटेस्क करते हैं इसकी तरह नहीं होता है। मीन्स एब्सर्ड ड्रामा अलग होता है। एब्सर्ड ड्रामा वो होता है जो कि एब्सर्डिटी बेहूदगी को कंटेन करके रखता है। जैसे एब्सर्ड ड्रामा का बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं सैमुअल बेकेट के एक वर्क है बेटिंग फॉर गॉडोट, उसमें देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर है नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द थीम ऑफ टाइम इन बेटिंग फॉर गॉडोट, में जो थीम ऑफ टाइम है उसको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए ये जो बेटिंग फॉर गॉडोट में अगर टाइम की बात करें तो टाइम बहुत फास्टली मूव होता है ना, और इस तरह से करेक्टर का भी मूवमेंट होता है। यद्यपि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं है ना, और हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम मूव कर रहा है, और अगेन जैसे सिचुएशन वही चीज़ फिर आ जाती हैं, बार बार सिचुएशन रिपीट होती हैं, और फाइनली जो है जहाँ से शुरू होता है वहीं से एंड होता है। राइट अ नोट इन ब्रीफ ऑन द सिम्बोलिज्म इन इलियट्स पोएट्री। अब देखिए इलियट जो है बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच सिम्बोलिस्ट से, और फ्रेंच सिम्बोलिस्ट में मेलॉर्मी से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इलियट जो है एक सिम्बोलिस्ट थे जो कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने वर्क में बिगनिंग से एंड तक कहीं ना कहीं सिम्बल्स का यूज किया है। टी एस इलियट ने द बेस्ट लैंड लिखा, द बेस्ट लैंड में कई सारे सिम्बलाइज जैसे वाटर सिंबल्स जो है प्योरीफिकेशन एंड रीजनरेशन ऑफ लाइफ का, फायर सिंबल है एक तरह से डिस्ट्रक्शन का, इस तरह से इन्होंने सिंबल्स का यूज किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू बी इट्स यूज मेटाफोरिकल एफोरिजम्स। डब्ल्यू बी इट्स ने मेटाफोरिकल एफोरिजम्स का यूज किया। मेटाफोरिकल एफोरिजम्स होता क्या है? तो एक्चुअली ये एक ऐसा कोटेशन होता है, ऐसा लाइन होता है जो कि लोडेड विद विजडम, जो कि एक तरह से कुछ ऐसे विजडम से फुल रहता है ना, जिसमें कुछ काम की बातें कही होती हैं जैसे गॉड इज जॉय एंड जॉय इज गॉड। और एक और है आप बेस्ट लैंड में देख सकते हैं, लाइफ इन डेथ एंड डेथ इन लाइफ, वो भी है मेटाफोरिकल एफोरिज्म का एग्जाम्पल। इसके बाद में डब्ल्यू इट्स ने अपने पोएम में कितने टाइप के सिंबल्स का यूज किया है? तो इन्होंने जनरली कई टाइप के सिंबल्स का यूज किया जैसे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, पब्लिक और प्राइवेट, पर्सनल, ये सब। अब जैसे इसमें कुछ सिंबल्स की बात करें तो जैसे रोज, फैलकॉन, हॉर्न, टावर, विंड, लायन, इन सब का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो ऑफ टी एस इलियट्स बेस्ट लैंड। टी एस इलियट के बेस्ट लैंड के बारे में आप क्या समझते हैं? तो बात करें ये जो पोयम है द बेस्ट लैंड है, ये ग्रेटेस्ट पोयम में से एक मानी जाती है, और इस चीज़ को रियलिटीज ऑफ कंटेम्प्रोरी लाइफ, यानी कि टी एस इलियट ने के समय जो कंटेम्प्रोरी लाइफ के रियलिटीज को उन्होंने इस पोयम के थ्रू बताया है। अब टी एस इलियट के बेस्ट लैंड का स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर 5 सेक्शन में डिवाइड है। पहला द बरियल ऑफ डेड, जिसमें लाइन 1 से लेकर 75 लाइन है ना, सॉरी 1 से लेकर 76 लाइन है, मतलब ओवरऑल 76 लाइन है। दूसरा आ गेम ऑफ चेस, जिसमें 77 से लेकर 142 लाइन है, 77 से लेकर 142 लाइन है। और बात करें इसमें कितनी लाइन होंगी तो माइनस कर लीजिए। इसके बाद में द फायर सरमन में 173 से लेकर 311 लाइन है ना, और द डेथ बाय वाटर में 312 से लेकर 321 लाइन है, और व्हाट द थंडर सेड में कितनी लाइन है? तो 322 से लेकर 434 लाइन है। अब बात करें सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, सेक्शन कौन सा? डेथ बाय वाटर, जिसमें 10 लाइन है, और सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? द फायर सरमन, जिसमें 139 लाइन है। व्हाट डू यू नो अबाउट इलियट्स एम्बीवेलेंट सिंबल्स? इलियट के एम्बीवेलेंट सिंबल से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखिए वाटर जो है लाइफ का सिंबल है, रीजनरेशन और प्योरिफिकेशन का सिंबल है। फायर जो है डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करता है, इस तरह से यहाँ पर सिंबल दिखाए गए हैं।
और बेस्ट लैंड के फोर्थ चैप्टर पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो बेस्ट लैंड के फोर्थ चैप्टर की बात करें तो फोर्थ नंबर का सेक्शन यानी कि डेथ बाई वाटर या डेथ ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फोर्थ चैप्टर बेस्ट लैंड की बात करें तो जिसका नाम है डेथ बाई वाटर, उसमें वाटर को ट्रेडिशनल सिंबल के रूप में दिखाया गया है कि वाटर एक ट्रेडिशनल सिंबल है जो कि प्यूरिफिकेशन और रीजनरेशन ऑफ लाइफ का सिंबल होता है। और दूसरा नंबर ये बताता है कि एक मॉडर्न वर्ल्ड में बात किया जाए तो वाटर जो है सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। और ये बताया गया है कि सिविलाइजेशन किस तरह से कॉमर्शियलाइज्ड हो गया है और बहुत ज़्यादा सॉर्डिड हो गया है, स्पिरिचुअलिज्म इन सबको जो है वो रिजेक्ट करके बैठा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द फाइनल चैप्टर ऑफ द बेस्ट लैंड। बेस्ट लैंड के फाइनल चैप्टर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो बेस्ट लैंड का फाइनल चैप्टर का नाम है व्हाट द थंडर सेड। इसमें ये चैप्टर जो है, देखिए आप ये याद रख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं व्हाट द थंडर सेड में एक थंडरिंग होती है, उस थंडरिंग के साथ में संस्कृत के तीन वर्ड सुनाई देते हैं, दत्ता दयाध्वम और जो है दमयत्ता। दत्ता मीन्स होता है गिव, दयाध्वम मीन्स होता है सिंपथाइज और दमयत्ता मीन्स होता है कंट्रोल। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में थीम, बेस्ट लैंड का थीम क्या है। तो बेस्ट लैंड का थीम क्या है भाई, एक तरह से मतलब वो बेस्ट लैंड के थ्रू यहाँ पर ये बताया गया है कि मॉडर्न वर्ल्ड किस तरह से जो है किस तरह से एक बेस्ट लैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना, और एक तरह से कंटेम्प्रोरी सोसाइटी के पिक्चर को इलियट ने दिखाया है कि यूरोप में किस तरह से कंटेम्प्रोरी जो सोसाइटी किस तरह से भ्रष्ट हो गई, बेकार गई है। ठीक, और चलिए नेक्स्ट आते हैं, जीनियसनेस ऑफ डी एच लॉरेंस। तो डी एच लॉरेंस ने लिखा है सन्स एंड लवर्स। तो सन्स एंड लवर्स में किस तरह से इन्होंने बखूबी जो है वहाँ पर एक माँ का प्यार, माँ का बेटे के प्रति और एक जो है पति का, मतलब हर चीज़ दिखाया है, इसलिए तो उनको जीनियस कहा जाता है। तो देखिए द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ आवर जनरेशन, ये जो हैं टी एस एलियट को कहा जा सकता है कि ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ आवर जनरेशन। इसको किसने कहा था, ई एम फॉर्स्टर ने उनकी प्रेज करते हुए उनके डेथ पर ये चीज़ कहा था। और बाकी आप देख सकते हैं डी एच लॉरेंस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट फॉर हिज नॉवेल्स हैव डेप्थ एंड रेंज द सब्टली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द इमोशन एक्सपीरियंस। तो अगर यहाँ पर देखिए इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है डी एच लॉरेंस का है, तो कहीं ना कहीं उनके सन्स एंड लवर्स के बारे में थोड़ा सा थीम को एक्सप्लेन कर दीजिए, उस थीम से प्रूव कर दीजिए हाँ जीनियस थे। What is the autobiographical note in Lawrence, Sons and Lovers? तो actually ये जो Sons and Lovers है ये डी एच लॉरेंस के खुद के लाइफ के पिक्चर को दिखाया गया है। जैसे Sons and Lovers में जो है दिखाया गया एक माँ का, एक बेटे का माँ के प्रति कितना प्रेम है, तो ऐसे सेम इनके भी रियल लाइफ में हैपेंड हुआ था, इसलिए तो इनको autobiographical novel माना जाता है Sons and Lovers को। Most of the situation in Sons and Lovers विद द लाइफ एंड सरकमस्टेंसेस ऑफ द लाइफ ऑफ लॉरेंस, ये देखिए लॉरेंस के लाइफ और तमाम प्रकार के सरकमस्टेंसेस से जो है डील करता है इसमें जो भी सिचुएशन है सन्स एंड लवर्स में। व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्डिनरीनेस इन लार्किन्स पोएट्री, लार्किन्स के पोएट्री में जो ऑर्डिनरीनेस है इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो देखिए लार्किन फिलिप लार्किन ने हियर पोएम लिखा था, तो इन्होंने जो ऑर्डिनरीनेस का मतलब ये है कि पहले नंबर तो ये समझिए फिलिप लार्किन एक एंटी मॉडर्निस्ट पोएट थे, इसलिए ये जो हैं जो सिंबोलिज्म हैं या मिथ हैं या एक्सेसिव यूज ऑफ परफेक्टेड इमेजरी या कंसीट्स, इन सबको ये क्या करते थे, डिसलाइक करते थे है ना, कहीं ना कहीं कॉमन प्लेस के सब्जेक्ट को ही इंटरेस्ट में लेते थे और ये एवरीडे के रियल लाइफ को, एवरीडे दिन प्रतिदिन के जो लोगों के लाइफ में जो क्राइसिस आते हैं उस पर मीन्स ये एवरीडे रियल लाइफ यानी कि रियलिटी पर लिखते थे। और इन्होंने हियर पोएम को व्हिटसन बेडिंग में पब्लिश करवाया जिसमें उन्होंने कई सारे मतलब साइट का डिस्क्राइब किया है कि जब वो
ट्रेन से यात्रा कर रहे थे उस दौरान इन्होंने जो भी देखा था उन सबको इस पोएम के थ्रू डिस्क्राइब किया है। कॉमन सीन्स को ये इंट्रोड्यूस करते थे, हैपनिंग्स को, फीलिंग्स को या अकरेंस को। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के बारे में शॉर्ट नोट लिखो। तो यहाँ पर इसे सुनिएगा, ये जो टाइटल है, द टाइटल ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड हैज बीन इंस्पायर्ड बाय मिस जेसी एल बेस्टन्स बुक फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। अब बात करें वेस्टलैंड को, द वेस्टलैंड का टाइटल टी एस एलियट ने कहाँ से लिया, तो मिस जेसी बेस्टन्स की किताब, ये रिचुअल टू रोमांस पढ़ रहे थे, उसे इंस्पायर हुए और वहीं से इन्होंने टाइटल लिया। अब देखिए आगे, इनकी जो बुक है रिचुअल टू रोमांस रिफर्स टू अ वेस्टलैंड डिस्क्राइब्ड इन वन ऑफ द ग्रेल रोमांस। द लैंड वॉज रूल्ड बाय द फिशर किंग, मतलब वहाँ पर उस लैंड पर फिशर किंग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और एक बार वो जो है ऐसे घूमने के लिए निकले थे, और जब घूमने के लिए निकले थे तो वहाँ पर उनको एक जो है नन मिली थी, है ना, नन के घर पहुँच गए थे, मैडन्स नन के घर पहुँच गए थे। और जब नन के घर पहुँच गए थे तो राजा अपने नाइट्स के साथ में नन का रेप कर दिया था, और उससे क्या हुआ था कि नन ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम्हारा सब चीज़ मतलब भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये जो है राजा और बाकी सारे लोग सब इम्पोर्टेंट हो गए थे, मतलब नामर्द हो गए थे, और इसके साथ में इनकी जो राज्य की भूमि थी सब जो है इनफर्टाइल हो गई थी, बेस्ट हो गई थी, है ना। इसीलिए इलियट ने जो है क्या यूज किया, अपने टाइटल का नाम रखा द वेस्टलैंड। लास्ट में दिया गया है, इलियट हैज रिप्रेजेंटेड इन हिज पोएम द मॉडर्न मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एज द वेस्टलैंड। मीन्स मॉडर्न मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इलियट ने एक वेस्टलैंड के रूप में दिखाया है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेड ह्यूक्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो टेड ह्यूक्स एक जो है प्रोलिफिक पोएट थे, ट्रांसलेटर थे, एडिटर थे, चिल्ड्रंस बुक ऑथर थे, और कमाल की बात तो ये बच्चों के ऊपर बहुत लिखते थे, बच्चों से प्रेम करते थे, और इसलिए इनको जो है चिल्ड्रंस पोएट भी कहते हैं। ह्यूक्स को जो है पोएट लॉरेट के रूप में अपॉइंट किया गया था 1984 ईस्वी में, और टेड ह्यूक्स की शादी हुई थी एक फेमस पोएटेस सिल्विया प्लाथ से हुई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है डाइवोर्स हो गया था। नेक्स्ट है, टेड ह्यूक्स किस तरह के पोएट थे, तो टेड ह्यूक्स जो है ये नेचर में एक तरह से बहुत ही, ये कोई भी चीज़ लिखते थे तो बहुत ज़्यादा बखूबी उसको अच्छे से लिखते थे, है ना, रियलिटी कहीं ना कहीं अपने पोएम के थ्रू लोगों को अच्छी बातों का मैसेज देना चाहते थे। और ये ब्यूटी और वायलेंस को, नेचुरल वर्ल्ड में जो वायलेंस फैली है ना, वायलेंस की वजह से किस तरह से पावर की वजह से लोग बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों को अपने पोएम के थ्रू इन्होंने बताया है। जीन पाउल सार्ट्र कौन थे, तो जीन पाउल सार्ट्र जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, प्ले राइट थे, नॉबलिस्ट थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और ये जो हैं जाने जाते हैं कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अब देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, ये एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट होता है जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है एग्जिस्टेंस के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को जोर देते हैं, है ना। और ये कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ के मीनिंग के लिए कोई इनहेरेंट या प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, मतलब पार्टिकुलर इंडिविजुअल के ही ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने लाइफ को अपने एक्शंस और चॉइस के बेस पर मीनिंगफुल बनाए या मीनिंगलेस बनाए, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। नेक्स्ट है, व्हाट इज बीइंग एंड नथिंगनेस, बीइंग और नथिंगनेस होता क्या है, तो देखिए बीइंग और नथिंगनेस ये जीन पाउल सार्टर का एक वर्क है जिसको इन्होंने 1943 में पब्लिश करवाया था। इस वर्क में इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स और नॉन ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में डिस्टिंगाइज दिखाया है, डिफरेंस दिखाया है। नेक्स्ट है, सीमस हैनी कौन है, तो सीमस हैनी एक जो है 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री में के एक जाने माने पोएट हैं, और ये ट्रांसलेटर भी हैं,
और साथ में बात किया जाए तो सीमस हैनी ने एक कैजुअल्टी नामक वर्क लिखा। ये ट्रांसलेटर हैं, इन्होंने वर्जिल्स एनीड की बुक नंबर 6 को ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है एक्वेटेंस विद कैजुअल्टी। तो कैजुअल्टी को अभी बताया गया, कैजुअल्टी को लिखा सीमस हैनी ने। इसमें इन्होंने अपने फ्रेंड है ना, जिनका नाम है लुइस ओ नील, के डेथ का डिस्क्रिप्शन दिया है और बताया है कि किस तरह से ब्लडी संडे की घटना 1972 में जो हुई थी, ब्लडी संडे की घटना के दिन उनके फ्रेंड की डेथ हुई है ना। और उन्होंने फर्स्ट लाइन से ही शुरुआत किया है, स्पीकर जो कि है सीमस हैनी खुद हैं, इन्होंने फर्स्ट लाइन से शुरुआत किया है कि लुइस ओ नील का डिस्क्रिप्शन देने के साथ शुरू किया। लुइस ओ नील के इवनिंग हैबिट के बारे में बताया है और ये बताया किस तरह से ये बहुत ज़्यादा वाइन एडिक्ट थे और उसके चलते इनको किस तरह से अपने मतलब इनके मित्र की डेथ हुई। कैजुअल्टी जो किस टाइप की पोएम है, विच टाइप ऑफ पोएम इज कैजुअल्टी। देखिए कैजुअल्टी जो एक एलजी है, होता क्या है कैजुअल्टी में, एक तरह से फ्रेंडशिप को दिखाया गया है जहाँ पर एक फ्रेंड है ना अपने दूसरे फ्रेंड जिनकी डेथ हो गई है उसकी गलत आदत के बारे में बताता है। और ये बताता है किस तरह से इंसान जब किसी चीज़ का एडिक्टेड हो जाता है, उस एडिक्शन के चलते वो किस तरह से उसकी डेथ होती है। और इसके साथ में इस पोएम में सीमस हैनी कहीं ना कहीं मॉर्निंग मतलब रो जैसे बिलाप का वर्णन किया। एलजी का मतलब ही होता है जिसमें थोड़ा सा दुख दर्द भरी कहानी हो, है ना। और कैजुअल्टी पोएम की जो सेटिंग रखी गई 1972 में अल्सटर के नॉर्दर्न प्रोविंस में रखी गई। और उस समय क्या हुआ था, ब्लडी संडे के इन फेमस ईयर था जहां पर ब्रिटिश आर्मी ने 13 जो है राइट प्रोटेस्टर्स को लंदन डेरी के बॉक्साइड एरिया में मार दिया था। और जहाँ पर पोएम की सिग्निफिकेंट लाइन ये है, उसकी फ्रेंड की डेथ हुई थी, अचानक डेथ हुई थी। अच्छा, ये पोएम पब्लिश हुआ 1979 में। एक्वेटेंस विद फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन कौन थे, तो फिलिप लार्किन एक इंग्लिश पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, लाइब्रेरियन थे और ये अपने डिस्टिंक्टिव वर्क के लिए जाने जाते हैं। और एक कमाल की बात यह है, फिलिप लार्किन एक पैसिमिस्टिक नेचर के थे। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी नेचर के थे। अब ये क्या करते हैं, ये अपने वर्क में चूंकि निराशावादी नेचर के थे तो कहीं ना कहीं अपने वर्क में डेथ, लव है ना, लोनलीनेस और जो डिसअपॉइंटमेंट, जो दिन प्रतिदिन का जो निराशाजनक डिसअपॉइंटमेंट की चीज़ें होती हैं उन्हीं को ये एक्सप्लोर करते हैं। हॉक जो एक एनिमल पोएम है, अब देखिए हॉक रूस्टिंग एक पोएम है जिसको लिखा था टेड ह्यूग्स ने लिखा था, है ना। अब देखिए इसमें हॉक रूस्टिंग जो एक बहुत ही फेमस पोएम है और इसको ह्यूग्स के एनिमल पोएम्स में कंसीडर किया जाता है। ये पोएम जो है हॉक के नेचर के साथ मीन्स हॉक को डिफाइन करते हुए शुरू होता है। किस तरह से हॉक जो है, हॉक एक पक्षी है जिसका मतलब होता है बाज, उसके नेचर को डिफाइन करता है कि हॉक अपने आप को किस तरह से बहुत ज़्यादा इगोइस्ट समझने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है और उस घमंडी में कैसे कैसे डींगे मारता है, क्या क्या कहता है, इसी चीज़ को दिखाया गया है। जैसे यहाँ लाइन से देख सकते हैं, आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड इन एक्शन नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। तो यहाँ पर इस तरह से ये कहानी भी शुरू होती है कि हॉक खुद कहता कि मैं टॉप पर बैठा हूँ, एकदम ऊंचाई पर बैठा हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, इस तरह से कहानी शुरू करता है। एनिमल इमेजरी, हॉक रूस्टिंग में जो एनिमल इमेजरी, तो यहाँ पर आप सीधा हॉक रूस्टिंग की कहानी लिख सकते हैं। हॉक रूस्टिंग में किस तरह से एक एनिमल के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा फायरसनेस और क्रुएल्टी नेचर का है, उसके थ्रू उन लोगों को बताया, उन लोगों के बारे में बताया गया जो बहुत ज़्यादा पावर जिनके पास होती है, किस तरह से वो घमंडी हो जाते हैं, किस तरह से उनका नेचर बदल जाता है। पर देखिए शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस आंसर्स हैं और ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट है। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन कुछ आता है, एक्सप्लेन विद रिफरेंस टू इट्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो सबसे पहले आपको पैसेज पहचानना होगा, जैसे यहाँ पर मिरेकल बर्ड गोल्डन्स हैंडी वर्क, मोर मिरेकल
देन बर्ड और हैंडीवर्क प्लेंटेड ऑन द स्टारलिट गोल्डन बो कैन लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स क्रो। तो यहाँ से आपको पहचानना होगा ये कौन सी लाइन का है, कौन से पोएम का लाइन है। तो दीज लाइन्स अकर इन द पोएम बाइजेंटियम कंपोज्ड बाय द सिंबोलिस्ट पोएट डब्ल्यू बी ईट्स। ये पोएम की लाइन जो है बाइजेंटियम पोएम से कंपोज किया गया है, जिसके राइटर हैं, जिसको कंपोज किया गया है किसके द्वारा, सिंबोलिस्ट पोएट डब्ल्यू बी ईट्स के द्वारा। पोएट प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ ग्रीक सिटी फेमस फॉर इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये चीज़ आपका है रिफरेंस, सॉरी कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं ऑन हेयर इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ ग्रीक सिटी फेमस फॉर इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और देखिए आपको कॉन्टेक्स्ट में ये भी लिख सकते हैं द पोएट गिव्स अ पिक्चर ऑफ द नाइट व्हेन द सिनफुल एक्टिविटीज ऑफ द डे आर ओवर, द नाइट्स साउंड इज ओवर एंड द चर्च वेल्स साउंड नो मोर, द घोस्ट हैव अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ शैडोज, द पोएट्स माइंड्स फेल्स टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर ह्यूमन फॉर्म्स और शैडो ऑफ घोस्ट्स और इमेज, ही वेलकम्स द सुपरनेचुरल। फिर यहाँ एक्सप्लेनेशन में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए इन दीज लाइन्स, वन मिनट, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज डैट ही लुकड एट एन इमेज, इट क्रिएट्स अ मिरेकल टू हिज आईज, द पोएट लुक्स टू द इमेज ऑफ अ बर्ड, इट इज गोल्डन सिटिंग अपॉन द ब्रांच ऑफ अ गोल्डन ट्री, इट कैन क्रो लाइक द कॉक्स ऑफ हेल और हेड्स एज द कॉक क्रो टू वेलकम द डाउन एंड इंटीमेट द स्लीपिंग ह्यूमैनिटी ऑफ द एडवेंट ऑफ गुड डे आफ्टर द डार्कनेस ऑफ द नाइट, द बर्ड इज नॉट अ लिविंग बर्ड, इट इज द विजन ऑफ गोल्डन बर्ड, द इम्प्रेशन कम्स फ्रॉम ब्यूटिफुल आर्ट ऑफ द डोम्स एंड टावर्स ऑफ बाइजेंटियम। वन मिनट, द बर्ड हैज बीन पिक्चराइज्ड इन टू अ मेटल of everlasting golden color, this bird mocks over all living birds and beautiful flowers of the garden as their colors and beauty are temporary, whereas the bird's color shall never fade, it shall never die, it is eternal and outlast every object and the creature of death। last mein aapko note likhna hai, the poet presents the supremacy of art and its परमानेंस ओवर ऑल थिंग्स। देखिए यहाँ रिफरेंस आप बनाकर नहीं लिख सकते हैं, बाकी कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और नोट, ये अगर आपको पोएम की समरी पता है तो आप उससे लिख सकते हैं। रिफरेंस तो आपको पहले पहचानना ही होगा, जैसे यहाँ दिया गया है एस्ट्रेडल ऑन द डॉल्फिन्स मायर एंड द ब्लड स्प्रिट आफ्टर स्प्रिट द स्मिथीज ब्रेक ऑफ ब्रेक द फ्लड द गोल्डन स्मिथीज ऑफ द एम्परर मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर ब्रेक बिटर फ्यूरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दोज इमेज डैट येट फ्रेश इमेज बिगेट डैट डॉल्फिन टॉर्न डैट गोंग टॉर्मेंटेड सी। तो यहाँ से आपको यही रिफरेंस सबका तैयार कर लेना, बाकी सब तो आप कर ही सकते हैं, रिफरेंस पता चलेगा बाकी सब आ जाएगा। तो ये बाइजेंटियम पोएम से लिया गया है, बाइजेंटियम को कंपोज किया सिम्बोलिस्ट पोएट डब्ल्यू बी ईट्स ने, और इसमें ग्रीक सिटी के फेमस आर्ट और आर्किटेक्चर के पिक्चर को दिखाया गया है। बाकी रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट में वही सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ माय फीट एट मोर गेट एंड माय हार्ट अंडर माय फीट आफ्टर द इवेंट ही वेप्ट ही प्रॉमिस्ड अ न्यू स्टार्ट आई मेड नो कमेंट व्हाट शुड आई रीजेंट। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा ये स्टेंजा जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो ये बेस्ट लैंड का थर्ड पार्ट का लॉन्गर पोएम है, यह थर्ड सेक्शन में है, द बेस्ट लैंड है, द बेस्ट लैंड में थर्ड पार्ट का नाम है फायर सरमन, वहाँ से लिया गया है। और इसके राइटर कौन है, टी एस एलियट हैं, जो कि ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं 20th सेंचुरी के, है ना। एलियट ने इसमें जो है मॉडर्न सोसाइटी के एक पिक्चर को दिखाया है कि किस तरह से मॉडर्न सोसाइटी जो है एक एब्सर्डिटी की तरफ चली गई है, मतलब मॉडर्न सोसाइटी जो है ना बेकार गई है।
आगे देखिए, फिर एक्सप्लेनेशन नोट में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, यस बैड, स्टे विद मी, स्पीक टू मी, व्हाई डू यू नेवर स्पीक, स्पीक व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट थिंकिंग व्हाट, आई नेवर नो व्हाट आर यू थिंकिंग, थिंक। तो ये भी लाइन आपकी द बेस्ट लैंड से ली गई है, और इसके राइटर कौन है, तो वही टी एस एलियट, जो कि ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मॉडर्न 20th century के हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन रिफरेंस। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कौन ये लाइन जैसे कहाँ से है। जैसे देखिए, ऑन मार्गरेट सैंड्स आई कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग, द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स, माई पीपल हम्बल पीपल हु एग्जैक्ट हु एक्सपेक्ट नथिंग। ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, द बेस्ट लैंड से लिया गया, द बेस्ट लैंड में फायर सरमन वाले तीसरे सेक्शन से लिया गया है, जिसके राइटर हैं टी एस एलियट। फिर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर, सन ऑफ मैन यू कैन नॉट गेस फॉर यू सी ओनली अ हीप ऑफ इमेज, तो ये भी बेस्ट लैंड का है, और बेस्ट लैंड का पहला सेक्शन से लिया गया है, द बरियल ऑफ द डेड से लिया गया, टी एस एलियट इसके राइटर हैं। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीदिंग हिलास्क्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्टायरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रैन, तो ये भी कहाँ से, बेस्ट लैंड की है, और बेस्ट लैंड से इसको लिया गया, जिसके राइटर कौन है, टी एस एलियट हैं। बाकी तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आगे देखिए, द निम्स आर डिपार्टेड, द लास्ट फिगर्स ऑफ लीप स्वीट थेम्स रन स्वीटली टिल आई एंड माई सॉन्ग, द रिवर बियर्स नो एम्प्टी बॉटल्स, सैंडविच पेपर्स, सिल्क हैंड हैंकरचीफ्स, कपबोर्ड बॉक्सेज, सिगरेट्स एंड्स और द अदर टेस्टिमनी ऑफ समर नाइट्स, तो ये भी टी एस एलियट की द बेस्ट लैंड से लिया गया है। आगे देखिए, आपको यही पहचानना है बस, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर डॉन, अ क्लाउड फ्लॉड ओवर द लंदन ब्रिज, सो मैनी आई हैड नॉट, तो ये भी टी एस एलियट की द बेस्ट लैंड से लिया गया है, है ना। आगे आते हैं फिर यहाँ पर, देखिए, जेंटाइल और जीव, ओ यू हु टर्न द व्हील एंड लुक टू विंड वार्ड, कंसीडर फेलबास हु वाज वंस हैंडसम हैडसम एंड टाल एज यू, तो ये भी टी एस एलियट की द बेस्ट लैंड से लिया गया, और ये लास्ट वाला पोर्शन है, डेथ बाई वाटर का सेक्शन है। इसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्या है, स्वर्बिंग ईस्ट फ्रॉम रिच इंडस्ट्रियल शेडोज एंड ट्रैफिक ऑल नाइट नॉर्थ, स्वर्बिंग थ्रू फील्ड्स टू थिन एंड थिसल्ड, अब जिसमें देखिए ट्रैफिक वगैरह मेडोज वगैरह की बात हुई थी हियर पोएम में, जो कि फिलिप लार्किन ने लिखा था। आगे आ जाइए, यहाँ पर गैदर्स टू सरप्राइज ऑफ अ लार्ज टाउन हियर, डोम्स एंड स्टैचूज, स्पायर्स एंड क्रेन्स क्लस्टर बिसाइड ग्रेन स्कैटर्ड स्ट्रीट्स बार्ग क्राउडेड वाटर, अब देखिए यहाँ से लग रहा होगा ये भी आपका हियर पोएम का सेक्शन है, फिलिप लार्किन ने हियर पोएम को लिखा है, क्लियर है। और इसके बाद में नेक्स्ट है, अ कट प्राइस क्राउड अर्बन येट सिंपल ड्वेलिंग वेयर ओनली सेल्समैन एंड रिलेशंस कम, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा ये भी लाइन हियर पोएम से लिया गया है, हियर पोएम को लिखा है फिलिप लार्किन ने। इसके बाद में बात करें, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज ऑल माइन, देयर इज नो सोफिस्ट्री इन माई ब्लडी, माई मैनर्स आर टेयरिंग ऑफ हेड्स, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा, आई किल वेयर आई प्लीज, मतलब मैं जहाँ चाहूँ जिसे चाहूँ उसे मार सकती हूँ, तो किस में बात हुआ है, हॉक रूस्टिंग में, तो ये हॉक रूस्टिंग से लिया गया है, जिसके राइटर हैं टेड ह्यूक्स हैं, और हॉक जो है एक मतलब क्या है, पक्षी है, बर्ड है ना। आगे देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए क्रिटिकल कमेंट में आप इस तरह से दो चार पॉइंट में भी लिख सकते हैं, हॉक रूस्टिंग इज अ मोनोलॉग हियर, आ हॉक इज प्रेजेंटेड एज स्पीकिंग टू हिमसेल्फ अबाउट हिज पावर एंड अथॉरिटी, हॉक इज इंडोर्ड विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस, है ना, हॉक हैज अ हाईली डेवलप्ड ईगो, इस तरह से, माई आई हैज परमिटेड नो चेंज, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स दिस लाइक दिस, अब ये भी आपका हॉक रोस्टिंग का है, टेड ह्यूक्स ने लिखा है। इसके बाद में, ही वुड ड्रिंक बाई हिमसेल्फ एंड रेज अ विदर्ड थंब टूवर्ड्स द हाई सेल्फ कॉलिंग एन अदर रम, अब ये चीज़ है आपका
रम वगैरह की बात किस में, रम एक वाइन की प्रजाति है ना, तो रम वगैरह की बात किस में हुई थी? कैजुअल्टी पोएम में, जिसको सीमा सैनी ने लिखा है। ये हो गया आपका, बाकी आप समरी से इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह कर सकते हैं। सर्विंग ईस्ट फ्रॉम रिच इंडस्ट्रियल शैडोज एंड ट्रैफिक ऑल नाइट नॉर्थ सर्विंग। अब देखिए यहाँ पर फिर ट्रैफिक वगैरह वाली बात आ गई, यानी कि हियर पोएम है, फिलिप लार्किन ने इसको लिखा है। इसके बाद में फिर आगे आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चंस पर, है ना। ये देखिए, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू इट्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। अब कुछ ऐसे पैसेज आ जाएगा, जैसे बी शुड हैव थॉट ऑफ इट व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग इन द 90s, हैंड इन हैंड एंड द टॉप ऑफ द आईफल टावर। तो आपको ये ऐसे पढ़कर पहचानना रहेगा ये कहाँ से है। तो ये जो वेटिंग फॉर गोडोट ड्रामा का है, जो कि एपिसोड ड्रामा है, जिसके राइटर कौन है, सैमुअल बेकेट हैं। फिर इसके बाद आ जाइए, आई रिमेंबर द मैप्स ऑफ होली लैंड कलर्ड दे मोर द डेड सी वाज ब्लू द वेरी लुक ऑफ इट मेड मी थर्स्टी। तो इसे आप पहचान जाएंगे कि वेटिंग फॉर गोडोट से है, जिसके राइटर हैं सैमुअल बेकेट। फिर यहाँ पर अगला है, देखिए, दिस ऑक्स इज इनफ फॉर यू, इट्स नॉट नाइस ऑफ यू दीदी। अब जैसे दीदी वगैरह किस में बात हुआ है, वेटिंग फॉर गोडोट में, और इसके राइटर कौन हैं, सैमुअल बेकेट हैं। फिर रिमार्क डेट आई माइट जस्ट एज वेल हैव बीन इन हिज शूज ही इज माइन। शूज वगैरह की बात वेटिंग फॉर गोडोट में ही बूट की बात हुई थी ना, तो वेटिंग फॉर गोडोट एपिसोड ड्रामा है, जिसके राइटर हैं सैमुअल बेकेट। इसकी हेल्प से आप जैसे जब आपको पता चल जाएगा चैप्टर का नाम क्या है, उसके राइटर क्या है, तो आप रेफरेंस एक्सप्लेनेशन ये तो कर ही सकते हैं आराम से। द मोर पीपल आई मीट द हैप्पियर बिकम फ्रॉम द मीनेस्ट क्रिएचर वन डिपार्ट्स वाइजर रिचर मोर कॉन्शियरी ऑफ वंस ब्लेसिंग्स। तो ये आपका बेटिंग फॉर गोडोट का ये भी है। द टीयर्स ऑफ वर्ल्ड आर अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी फॉर ईच वन, ये भी वेटिंग फॉर गोडोट का है, सैमुअल बेकेट लिखे हैं इसको। अब यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएम बाइजेंटियम, बाइजेंटियम पोएम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बाइजेंटियम एक ग्रेट पोएम है, इसमें जो है 40 लाइन है, 5 स्टेंजा है, एक स्टेंजा में जो है 8 लाइन है। तो और इसका जो राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी डी डी सी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इसमें पोएट जो है नाइट के पिक्चर को दिखाया गया है, है ना, दिखाया है कि बाइजेंडियम शहर में जो रात का सीन कैसा है, क्या कैसे था। इसके बाद में ये देखिए क्लियर आपका नहीं आया है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि पूरा पॉसिबल तो है नहीं, इतना टाइम तो है नहीं, तो जो अंडरलाइन उसी का डिस्कस हो जाएगा। ईट ने पोएटिक लैंग्वेज 20th सेंचुरी के लिए पोएटिक लैंग्वेज को क्रिएट किया है, जहाँ पर इस चीज़ को पोस्ट मॉडर्न पोएट्स के द्वारा खासकर इमिटेट किया गया, जैसे इसमें है फिलिप लार्किन है, सीमस हैनी है, ठीक। अब यहाँ पर ईट्स को सिंबोलिस्ट मूवमेंट का जो है रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, चीफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, क्योंकि विलियम बटलर ईट्स ने ही सिंबोलिस्ट मूवमेंट को इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा ग्रो किया, ठीक है। और इनका जो विजनरी आइडिया है वो अक्सर जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से इमेज और सिंबल्स के तरीके से उसको दिखाता है। फिर विलियम बटलर ईट्स एक सिंबोलिस्ट हैं, विलियम बटलर ईट्स एक ग्रेट सिंबोलिस्ट पोएट के रूप में जाने जाते हैं। इनका एक वर्क है द लेक आइजिल ऑफ इनिसफ्री, ये सिंबोलिकल पोएम का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। पोएट जो हैं ये जो मॉडर्न समय में सिविलाइजेशन का जो कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जा रहा, इन सब की वजह से ये बहुत ज़्यादा नाराज हैं। ये कहते हैं किस तरह से लाइफ फसल बसल हो गई है, मतलब एकदम भागम भाग हो गई है, ठीक है। आगे फिर यहाँ देखिए, बाइजेंटियम जो होता है ये शहर है ना, और बाइजेंटियम शहर के जो आर्ट और कल्चर को डिस्क्राइब किया है बाइजेंटियम पोएम के थ्रू विलियम बटलर ईट्स ने। इसके बाद में आगे है, देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, आप बाकी खुद से डिटेल से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एक तरह से उड़ाया जा रहा है, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो और ठीक है। अब इसके बाद में देखिए मेटाफिजिकल पोएट्स पर
के इम्पैक्ट पर नोट बनाना है कि इलियट पर मेटाफिजिकल पोएट का क्या इम्पैक्ट आया था। तो देखिए टी एस इलियट जो है मेटाफिजिकल पोएट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, है ना, और शायद यही वजह है कि टी एस इलियट ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमेजेज समझाने के लिए इमेजेज और अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज किया। और मेटाफिजिकल जो पोएट होते थे वो हमेशा यही ट्राई किए कि वर्क में अप्रोप्रिएट वर्ड और इमेजरी का यूज किया जा सके। इसके बाद में मिथ की बात करें तो मिथ एक प्रकार की कहानी होती है जो कि सुपर नेचुरल से कंटेन होती है और जिसमें कुछ गॉड्स और गॉडेस होते हैं उन्हीं के बारे में कहानी बताई जाती है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट लैंड जो है कंटेम्प्रोरी सोसाइटी का एक पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इस पर डिस्कस करो। बिल्कुल सही है, बेस्ट लैंड शोज द पिक्चर ऑफ द कंटेम्प्रोरी सोसाइटी। अब बेस्ट लैंड को लिखा था टी एस इलियट ने। टी एस इलियट जो कि एक फिलोसफिकल सिंबोलिकल एक रियलिस्टिक पोएम थे, रियलिस्टिक पोएट थे जिन्होंने रियलिस्टिक पोएम पर फोकस किया है, और इस चीज़ को फोकस में करते हुए ये टी एस इलियट ने कंटेम्प्रोरी सोसाइटी के पिक्चर को अपने इस पोएम द बेस्ट लैंड में दिखाया है। और इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन में कहीं ना कहीं ये टी एस इलियट जो हैं अलग अलग तरह के टेल्स को, अलग अलग तरह के चीज़ों को, अलग अलग तरह के कहानियों को बताया है, जिसमें थोड़ा सा पढ़ने में भी कठिन हो जाती है, ऐसे जल्दी से समझ में नहीं आती है, ठीक है। और इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर कि आप जो है बेस्ट लैंड के बारे में क्या समझते हैं। तो बेस्ट लैंड जो है कंटेम्प्रोरी यूरोप में कंटेम्प्रोरी सोसाइटी का एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है, और इस बेस्ट लैंड के थ्रू टी एस इलियट ने दिखाया है कि एक मॉडर्न वर्ल्ड को एज अ बेस्ट लैंड के रूप में रिप्रेजेंट किया है। बेस्ट लैंड टाइटल इन्होंने लिया है कहाँ से, तो एक होता क्या है, एक बार ये शाम को जब ये बेस्ट लैंड लिख रहे होते हैं तो उसी दौरान इन्होंने पढ़ा था जैसी बेस्टन्स की बुक फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। जब इन्होंने फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस पढ़ा था, एक बुक और पढ़ा था द गोल्डन बो, तो इनसे इनके दिमाग में ये आया कि ये जो वर्क लिख रहे हैं इस वर्क का नाम क्या रखा जाए, द बेस्ट लैंड रखा जाए, क्योंकि ये दो जो वर्क जब इन्होंने पढ़ा था तो इनको काफ़ी सीख मिली थी, ठीक। इसकी काफ़ी लंबी कहानी अभी आगे बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर फिर आ गया फर्स्ट सेक्शन के बेस्ट लैंड के फर्स्ट सेक्शन जिसका नाम है द बरियल ऑफ डेड, उसके बारे में कहानी बताना है। तो देखिए द बरियल ऑफ डेड जो है वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, है ना, वो बताता है किस तरह से इंग्लैंड के चर्च में जो है बरियल सर्विस दी जाती है, और साथ में एक टायरसियास एक व्यक्ति है उसकी हेल्प से जो कि कहीं ना कहीं इस पोएम का एक मेन स्पीकर या प्रोटैगोनिस्ट है, है ना, वो हेल्प करता है। और टी एस इलियट जो हैं बेस्ट लैंड कंटेम्प्रोरी सोसाइटी को एक बेस्ट लैंड के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक। और टायरसियास जो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है ना, उसको एक स्पिरिचुअल विजन प्राप्त है कि वो हर चीज़ देख सकता है, वो बाइलिंगुअल है, मतलब ना तो मैन है ना ही वुमेन है। एक बार गॉडेस हीरा ने इसको टायरसियास को मतलब 7 साल के लिए वुमेन के रूप में बदल जाने के लिए कह दिया था, और ये 7 साल तक वुमेन के रूप में रहा था, ठीक। और इसमें कई चीज़ें होती हैं, आगे आप पूरा पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। आगे देखिए हाँ, बेस्ट लैंड के टाइटल से आप क्या समझते हैं, फिर वही बात कि ये मिस बेस्टन्स की बुक रिचुअल टू रोमांस पढ़ रहे थे, वहीं से इनका बेस्ट लैंड का टाइटल मिले हैं, यानी कि बेस्ट लैंड द बेस्ट लैंड ये जो टाइटल ये कहाँ से लिए हैं, रिचुअल टू रोमांस नामक वर्क से लिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ मैंने कुछ अंडरलाइन किया है, वाटर जो है प्योरिफिकेशन का सिंबल है बेस्ट लैंड में, और बाकी आप ऐसे देख सकते हैं, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, एक बार आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, बाकी अंडरलाइन वाला मैं पढ़ दे रहा हूँ। टी एस इलियट जो है ये मेटाफिजिकल पोएट्री को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये प्रेज किए हैं, डन की मेटाफिजिकल पोएट्री को प्रेज किए हैं, और डब्ल्यू बीट्स जो है मेटाफिजिकल पोएट्री, डन के मेटाफिजिकल पोएट्री से बहुत ज़्यादा डब्ल्यू बीट्स भी इन्फ्लुएंस हुए थे, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो लगा कि हाँ फैक्चुअल डेटा टाइप है उसको मैंने अंडरलाइन किया, बाकी डिटेल से है, मैं ऐसे पेज आगे करता जाऊँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। टी एस इलियट जो हैं सिम्बोलिस्ट पोएट के रूप में कंसिडर किए जाते हैं, अब इसको बताना है,
तो भाई कहीं ना कहीं सिंबल्स का यूज किए हैं, ठीक है। और सिंबल्स भी दो तरह के सिंबल्स को स्पेशली इन्होंने यूज किया, एक ट्रेडिशनल सिंबल, दूसरा पर्सनल सिंबल। अब जैसे रोज एक ब्यूटी का ट्रेडिशनल सिंबल होता है, और पर्सनल सिंबल में ये होता है जो पोएट या राइटर अपने हिसाब से सिंबलाइज करते हैं, वो होता है पर्सनल सिंबल होता है, ठीक। फिर आगे आप ये सब देखिए, पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए, सैमुअल बेकेट ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क लिखा, जैसे बेटिंग फॉर गोडोट और क्रैप्स लास्ट टेप, प्ले नॉट वन, एंड गेम, हैप्पी डेज, ब्रीद। इसमें से ब्रीद जो है 25 बिग सेकंड स्टेज प्ले है, और इनका जो कंप्लीट प्ले है बेटिंग फॉर गोडोट, एंड गेम और हैप्पी डेज है, ये है आपका। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा आपको। अब सैमल जैसे सन्स एंड लवर्स, देखिए जितने वर्क हैं उसकी कहानी अच्छे से समरी तैयार कर लीजिएगा, और ना ही समरी नहीं मिलेगी तब बताइए, कमेंट करिए, मैं दे दूंगा आपको। फिर इसके बाद देखिए, मैंने अंडरलाइन किया है, आप इस तरह से देखते चले जाइए, मन करे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर,